हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉयिंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज 5.15 एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस। अब लेंसेस हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज करने वाले हैं ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, देर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ इट। फर्स्ट एप्लीकेशन इन कैमराज, कैमरा में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको मैग्नीफाइंग करते हैं, फिर जूम इन जूम आउट करेंगे, क्लियर। देन प्रोजेक्टर्स, यस प्रोजेक्टर्स में भी लेंस का यूज होगा, तभी हमें कोई इमेज स्क्रीन पे दिखाई देगी, क्लियर। देन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में हम लोग क्या करेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उनके बारे में स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ करेंगे, ओके। देन माइक्रोस्कोप एज वेल, माइक्रोस्कोप में भी हम लोग जो भी चीज़ का डिटेल स्टडी, डीपली स्टडी अगर कुछ करना हो तो माइक्रोस्कोप में करेंगे। माइक्रोस्कोप में हम लोग बायोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होगा, तो हम लोग माइक्रोस्कोप में जो ब्लड टेस्ट है वो सब कुछ माइक्रोस्कोप के यूसेज से हम लोग उसका यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में भी लेंसेज का यूज आता है, तो बहुत सारे एक्चुअली थोड़े ही यहाँ पर लिखे, तो देन एक्सेट्रा बहुत सारे, ओके। सो इन दिस ऑल डिवाइसेस वी यूज कॉन्वेक्स लेंसेज, क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ अवर लेंसेज। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकेंड यूज, अवर ओन ह्यूमन आई और डिफरेंट आई, डिफरेंट स्पीसीज आई, तो सभी में एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तो आई ऑफ स्पीसीज, दिस आई, इन दिस आई ऑफ स्पीसीज कॉन्वेक्स लेंस, सब में कॉन्वेक्स लेंस आता है, तभी तो सारी रेज हमारे आई में से एंटर होगी, रिफ्रैक्शन होगी, एंड देन एक रेटिना पे सब फोकस होगे, तब हमें इमेज दिखेगी, क्लियर। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा, ओके। थर्ड वन, अब थर्ड वन, तो थर्ड में हम लोग यस चश्मे पहनते हैं, क्लियर। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा कि नज़दीक का नहीं दिखाएगा, दूर का नहीं दिखाएगा, तो उनको हम लोगों ने एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट इज दैट लॉन्ग साइटेडनेस में हम लोग को नज़दीक का नहीं दिखाएगा, इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, हाइपर मेट्रोपिया दूसरा नाम है, तो नज़दीक का नहीं दिखेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस और हाइप्रोमेट्रोपिया। तब क्या होगा, तो तब हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, तब हमें यूज़ करना है कॉन्वेक्स लेंस का, तो तब हम लोग जो नज़दीक का है वो ईजिली देख सकेंगे, मतलब कि नज़दीक का जो स्पेक्स में से, जो ग्लास में से लाइट रे एंटर होंगे एंड देन रिफ्रैक्ट होंगे, तो तुरंत वो अपने रेटिना में इमेज मिलेगी, सारे रेज रेटिना में इंटरसेक्ट करेंगे, तब हमें उसकी इमेज मिलेगी, ओके। देन लॉन्ग साइटेडनेस हो गया, देन शॉर्ट साइटेडनेस को हम लोग बोलेंगे मायोपिया, ओके। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे तो हमें वो चीज दिखेगी, शॉर्ट साइटेडनेस में हमें दूर का नहीं दिखने वाला, तो दूर का देखने के लिए वी यूज कॉन्केव लेंस का इसमें यूज करेंगे, क्लियर। सो दीज आर दी टू कैटेगरी, बट थर्ड कैटेगरी में दोनों ही नहीं दिखेंगे, मतलब कि दूर का भी नहीं दिखा उसमें भी प्रॉब्लम है, नज़दीक का नहीं देख सकते उसमें भी प्रॉब्लम है, तब हमें यूज़ करना है बायफोकल लेंस, उसको बोलेंगे बायफोकल लेंस। तो बायफोकल लेंस को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, तो उसका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट नज़दीक का देखने के लिए, अब नज़दीक का देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, तो वहाँ पर जो लोअर पार्ट है दैट इज़ द यूज़ बाय कॉन्वेक्स लेंस, और अपर पार्ट, अपर पार्ट मतलब दूर का देखना है,
तो वी हैव टू यूज कॉन्केव लेंस, तो दोनों हाफ ऑफ ग्लास से डिवाइड हो जाएंगे, अपर पार्ट इज कॉन्केव लेंस एंड लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस. सो दिस इज हाउ बाइफोकल लेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है, सो दोनों पोर्शन उसमें आ गए. फिर बहुत सारे यूज है ये टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप देन सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप में तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे क्योंकि हमें नज़दीक का देखना है और ज़्यादा जूम करके देखना है. ठीक है, देन मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा. वी नो दैट हाउ मैग्नीफाइंग ग्लास इज सीन, दैट इट इज जस्ट कोटेड बाय सिल्वर फ्रेम एंड इन इट वन कॉन्वेक्स लेंस इज यूज इन दैट पर्टिकुलर मैग्नीफाइंग ग्लास. क्लियर, सो दैट्स द अनदर यूज. देन वी यूज इन स्पेक्ट्रोग्राफ. स्पेक्ट्रोग्राफ में भी हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम देखने के लिए लेंस का यूज करना पड़ेगा, तभी वो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें अच्छी तरीके से दिखेगी, क्लियरली दिखेगी. क्लियर, फिर बारी आती है प्रोजेक्टर्स. यस, प्रोजेक्टर्स में भी हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया. कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे सब लाइट रेज आर इंटरसेक्ट एंड एट दैट पॉइंट वी गेट द इमेज ऑफ अवर ऑब्जेक्ट. सो दीज आर द use, these are the applications of lenses. Yeah, so that's all for today guys. Thank you very much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.